Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the different types of conventional signs and use in map. And today I am going to discuss the location of India. India is a vast land part. India lies in the north coast hemisphere of the earth. India lies in the south of the continent of Asia. कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट वास्ट यानी कि बड़ा पौड़ा लैंडमास यानी कि जमीन बहुत ही बड़ी जमीन में फैला हुआ है और वो अर्थ के साउथ नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आया हुआ है और टोटल इंडिया जो है वो एशिया के साउथ कंटिनेंट में आया हुआ है यानी टोटल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एशिया में आया हुआ है. हिमालयन माउंटेन्स रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया और हमारा जो हिमालय है हिमालय माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ इंडिया में आया हुआ है. बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न डिरेक्शन एंड अरेबियन सी इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न डिरेक्शन. बंगाल बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट डिरेक्शन में है और अरेबियन सी है वो इंडिया के वेस्ट डिरेक्शन में है. The area of mainland of India lies between 8°4′ to 37′ north latitude and 68′7′ to 97′25 east longitude. Tropic of Cancer passes almost through the center of India. यानी कि Tropic of Cancer किसे कहते हैं जो बीच में से लाइन पास होती है ना एकदम बीच में से नहीं उसके नीचे से तो बीच में से जो पास होती है उसे ट्रॉपिक ऑफ सेंसर कहते हैं. और एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज. स्टूडेंट्स टोटल आज इंडिया में 28 राज्य है. पहले 29 थे अब 28 है और 8 यूनियन टेरिटरीज थी वो अब 7 यूनियन हो गई है क्योंकि कश्मीर जो है वो राज्य था उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. एंड वन नेशनल कैपिटल रीजन फॉर द सेल और सेक ऑफ इजी एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज अप टू द बिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 यानी 2019 के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा मैप है पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिया गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री नेशनल कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ कंट्री. अब स्टूडेंट्स आज जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो गया है तो आज उसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है मप्पा मुंडी इज वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज. ब्लैंक में क्या आंसर आएगा लैटिन लैंग्वेज. देर आर ब्लैंक मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप. तो स्टूडेंट्स देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप. थर्ड है ब्लैंक डिटेल्स आर शोन इन द कल्चरल मैप. कल्चरल मैप में कौन सी डिटेल्स शो बताई जाती है तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी मैन मेड डिटेल्स. मैन मेड डिटेल्स आर शोन इन द कल्चरल मैप. अब मैच द फॉलोइंग डिटेल है तो ये जो है ये किसका सिंबल है तो स्केल का. पीओ तो पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस. एन यानी नॉर्थ डिरेक्शन. ये है इंटरनेशनल बाउंड्री. ये है रिवर का सिंबल. तो ये है अलग अलग कन्वेंशनल साइन अलग अलग प्लेसेस के लिए. अब है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट पुट राइट मार्क अगेंस्ट ट्रू और करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट है ओशंस आर शोन इन द कल्चरल मैप और सेकंड है वेजिटेशन रीजन इज शोन विद ग्रीन कलर इन द मैप. तो वेजिटेशन तो ग्रीन होती है इसलिए ये राइट आएगा और जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर है रॉन्ग. क्यों? क्योंकि कल्चरल मैप के अंदर तो मैन मेड चीज़ें बताई जाती है और ये ओशन है वो मानस किसी इंसान ने नहीं बनाया है इसलिए ये फर्स्ट रॉन्ग आएगा सेकंड करेक्ट आएगा. अब थर्ड है इंडिया लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. तो ये भी रॉन्ग आएगा कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं है.
नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी रॉन्ग आएगा. अब द मैप शोइंग डिफरेंट कंटिनेंट इन अ लार्ज स्केल मैप, तो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि लार्ज स्केल में नहीं, शॉर्ट स्केल में बताता है मैप हमें डिटेल. अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है, राइट द टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप के कितने टाइप्स है. सेकंड है, व्हाट इज मीन्ट बाय कन्वेंशनल साइन. और थर्ड है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया. तो हाँ, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. और पहले दो का आंसर मैं आपको चैप्टर में बता देती हूँ. व्हाट इज मीन्ट बाय कन्वेंशनल साइन, तो इसमें आपको ये जो कन्वेंशनल साइंस वाला टॉपिक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है. ओके, अब थीमेटिक मैप तो ये रहा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप आर देयर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप, नेचुरल मैप एंड कल्चरल मैप. अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आंसर द आंसर इन शॉर्ट. फर्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केल बेस्ड मैप एंड कल्चरल मैप. और सेकंड है, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, गिव टू एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल. तो जो फर्स्ट वाला है, स्केल बेस्ड मैप और कल्चरल मैप बीच का डिफरेंस, तो उसके अंदर आपको ये स्केल बेस्ड मैप के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. और सेकंड है, ये कल्चरल मैप के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. तो सिर्फ ये जो दो लाइन है ना, उतना आपको नहीं लिखना है डिफरेंस, यानी सब कुछ के स्केल बेस्ड मैप में कितने टाइप के और कौन कौन से मैप आते हैं, फिर कल्चरल मैप में भी कौन से टाइप के मैप आते हैं, ये सब आपको बताना होगा. अब यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल बेस्ड मैप. तो उसमें आपको लिखना है, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप. अब यहाँ पे आपको स्मॉल स्केल मैप के दो एग्जांपल देने हैं. तो एग्जांपल में आप क्या देंगे कि स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं, कि जो लार्ज एरिया होता है अर्थ का, उसको छोटे स्केल मैप में बताता है. इसलिए तो मैप ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट आएगा. और दूसरा है कंट्री, कंट्रीज भी आ सकता है. तो ये एग्जांपल्स आपको लिखने हैं. अब थर्ड है, राइट अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द मैप एज वेल एज अबाउट इस स्केल. मेन पार्ट क्या है मैप के, और उसके अंदर उसके स्केल के बारे में आपको बताना है. अब है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मैप. लोकेशन ऑफ इंडिया वाला जो क्वेश्चन है, उसके लिए तो आपको ये आंसर लिखना है. उसके अंदर आपको लिखना है कि देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैप, डायरेक्शन स्केल एंड कन्वेंशनल साइन. अब इन तीनों में से आपको ये जो कन्वेंशनल साइन वाला टॉपिक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना, सॉरी स्केल वाला जो मैप है वो आपको एक्सप्लेन करना है. ये वाला पहले आपको तीन टाइप लिखने हैं, और फिर ये वाला टॉपिक आपको अंदर एक्सप्लेन करना है. इन विच डिरेक्शन ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड. तो इस मैप में से देख के हमको लोगों को आंसर लिखने हैं कि हिमाचल प्रदेश किस डिरेक्शन में आया हुआ है. ये रहा हिमाचल प्रदेश, तो ये नॉर्थ में आया हुआ है. सेकंड है, इन विच डिरेक्शन ऑफ गुजरात इज मध्य प्रदेश सिचुएटेड. मध्य प्रदेश गुजरात की किस डिरेक्शन में है, तो इस डिरेक्शन में होगा. तो ये कौन सी डिरेक्शन है, ईस्ट. अब है, इन विच डिरेक्शन ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश सिचुएटेड. अरुणाचल प्रदेश किस डिरेक्शन में है, आंसर विल बी
ये रहा, तो ये देखिए आप, ये ईस्ट के बीच में है, तो आएगा नॉर्थ ईस्ट। अब है विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ डिरेक्शन ऑफ केरला, केरला के नॉर्थ डिरेक्शन में कौन सा स्टेट है, तो आंसर विल बी यहाँ पे, तो जो फोटोग्राफ है बहुत ही ब्लर है, क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आंसर आप थोड़ा सा ढूंढ लेना कि केरला कहाँ पे है और केरला के किस डायरेक्शन में कौन ईस्ट, केरला की नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा राज्य आएगा। अब है विच यूनियन टेरिटरी इज सिचुएटेड इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ गुजरात, कि साउथ डायरेक्शन में यूनियन कौन से यूनियन टेरिटरी है, तो साउथ डायरेक्शन में है नागर हवेली, ये देखिए यहाँ पे है दादरा नागर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी है। तो आपको ये ऐसे आंसर लिखने हैं स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 और 60 में उसकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हुई, फिनिश हुई। मैंने पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर आपको इजीली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चैप्टर और एक्सरसाइज आंसर मैंने बता दिए है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।